मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, परमेश्वर की स्तुति हो आप सभी लोगों के लिए। परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर भला परमेश्वर है। ठीक उसी समय पर परमेश्वर हमारे सभी चीजों को बिल्कुल सही रूप से करेगा। जिसने आपको बुलाया है मेरे प्रिय लोगों, वो बिल्कुल सच्चा है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। आप जिस कहीं पे भी इस देश में हो, आप धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह को आप जानते हो। आप धन्य लोग हो। परमेश्वर में बिल्कुल आनंदित रहो। आज का वचन मालूम है क्या है? मेरे साथ मोड़ लीजिए, बाइबल को मोड़ लीजिए। आप कहो स्क्रीन में दिखाते हो ना? नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल खोलिए और जो वचन कहते हैं उसे पढ़िए। पहले योहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और 27वां वचन, और तुम्हारा अभिषेक जो उसी की ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। जैसा वह अभिषेक है उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा तुम्हें सिखाया गया उसमें तुम बने रहो। वह तुम्हारे हृदय को छूता है। जब तुम उसमें बने रहते हो, उसमें बना रहना बहुत जरूरी है मसीह जिंदगी में। उसमें बना रहना और बने न रहना। परिस्थितियां काल बदल जाते हैं, बिल्कुल बदलने लायक हैं, पर एक बार जब आप उद्धार पा लेते हो, यीशु को अपना लेते हो, अभिषेक पा लेते हो, पवित्र आत्मा से भर जाते हो, आ जाने के बाद शैतान आपको उसके प्रेम से, उसके कवरेज से जो है किसी न किसी तरह आपको वहां से हटा देना चाहता है। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में करता रहता है, क्योंकि बहुत ही चालू है। वो क्या चाहता है कि जो अभिषेक आपके अंदर है उसे बिगाड़ डाले। उसके अंदर जो अभिषेक आपने पाया उसमें बना रहना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसमें बने रहना ही वो चाहता है। पवित्र आत्मा में भर कर जब तुम प्रार्थना करते हो, वचन जो कुछ भी कहता है उसके द्वारा जो अभिषेक आपने पाया उसमें बने रहो। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। उस अभिषेक के द्वारा जो तुम सीखते हो सच्चा है, झूठ नहीं है। उसको पढ़ पढ़कर हे परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में मैं लगातार बना रहूं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं इसमें बना रहूं परमेश्वर। अगर जब आप ऐसा रहोगे तभी तुम फल देने पाओगे। वही जो योहन्ना 15 में कहा गया है ना, तो इन दिनों में मैं फल देने वाले विश्वासी के रूप में रहना चाहता हूँ। दुनिया की प्रेम, दुनिया का जो कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी मुझे अलग नहीं कर सकता। विश्वास के साथ मैं लगातार उसमें बना रहूं। सहायता मेरी पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारे सिर के ऊपर रखे, तुम्हें जो निचोड़ रहा है, इस समय उसकी स्तुति कीजिए परमेश्वर की, और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। देखिए, आज का दिन खत्म करके जब तुम बिस्तर में सोने के लिए जाओगे, बहुत ही शांति के साथ आप सोओगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे बच्चों को सदा बना न रहने लायक जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, बुरी सोचें हैं, अविश्वास की सोचें हैं, पिछली दिनों में जो पराजय है, जो उन्हें बिल्कुल रुला रही है, तू उन्हें रुला और नए अभिषेक से उन्हें भरपूर से भरपूर मात्रा में तू उन्हें चलाता रहे। सहायता कर कि वो परमेश्वर के वचन में और अभिषेक में एक साथ मिलकर उनके अंदर काम करे। आमेन। तेरे बच्चे वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा भरे रहें। आज के दिन का अनुग्रह अभी उन्हें दे दे। अभी तो दे रहा है परमेश्वर, अभी तो दे रहा है। तेरा धन्यवाद हो। हर एक घर में, परिवारों में, बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, सभी लोग परमेश्वर में सदा बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रिय लोगों। बिल्कुल साहस बनकर रहिए, धीरज धरिए इस सच्चाई को। कितने लोगों को आप बांटने वाले हो, शेयर करने वाले हो, शेयर करके कमेंट सेक्शन में डालो कि इतने सारे लोगों को मैंने शेयर किया। हिंदी भाषा में जो बोलते हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी जरा याद रखिए और उनको शेयर कीजिए। तमिल लोगों को भी शेयर कीजिए, तमिल भाषा बोलने वाले भाइयों बहनों, हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए बहुत प्रार्थना कीजिए, उनके साथ परमेश्वर बड़ा काम करेगा। गॉड ब्लेस यू।
प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299549463633। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।